मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि सरकार के द्वारा जो तीन काले कानून लाए गए थे उसके विरोध में आज लोहड़ी का दिन है और मेवात के गांधी ग्राम घासेड़ा में आज जो बिल लाए गए सरकार के द्वारा उनको आहुति दी गई, उनको जलाया गया है। हमारे साथ मेवात के वो मौजूद लोग हैं जो लगातार इस लड़ाई लड़ रहे हैं और शुरू से आखिर तक लगातार जान माल लगा करके पूरी जद्दोजहद के साथ सरकार के खिलाफ खड़े हैं। उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रमजान चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ उस्मान जी भी हैं और हमारे साथ जो इतिहास के जिन्होंने एक एक पन्ने को अच्छे तरीके से बारीकी से समझा है, देखा है, पढ़ा है, उनसे बातचीत करेंगे। सर किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से सरकार इन काले कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है और लगातार पूरे तरीके से किसान भी अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं, अब ऐसे में क्या सोल्यूशन है, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम में बाँट कर कुछ इन्होंने ऐसे कानून पारित कर दिए और उनका विरोध नहीं हुआ तो उनको लगा कि पूरा देश हमारे साथ है। जैसे तीन तलाक का मसला लाए कोई विरोध नहीं हुआ, कश्मीर से 370 हटा दी कोई विरोध नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के को हथियार बनाकर राम मंदिर का जो है ऑलरेडी वो पास करवा लिया, फैसला अपने हक में करवा लिया, और भी बहुत सारे संवैधानिक कानून थे जिनको ये लेकर आए और उनका विरोध नहीं हुआ, लेकिन इस बार ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। मैं उस कहना चाहता हूं कि अब की बार किसानों से पंगा लिया है अन्नदाता से, जो अन्नदाता धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करते हैं, लोगों का खाने का इंतजाम करते हैं, उनसे पंगा लिया है मोदी ने। इस बार मोदी हटना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, किसान नहीं झुकेगा। किसान पूरे 6 महीने का इंतजाम करके यहाँ पर बैठा है बॉर्डर्स पर और वो उसके वजूद की लड़ाई है, और मैं अब ये कहता हूँ कि ये वजूद की लड़ाई नहीं है, अब ये उसके भविष्य की, उनके बच्चों के भविष्य की, भारत को बचाने की, देश को बचाने की लड़ाई नहीं है। सरकार तो कहती है कि जो एक कानून लाया गया है ये एक नई क्रांति लेके आएगा रिफार्मिंग के लिए। वो तो ये भी कहते थे कि 15 लाख हम देंगे, नहीं दिए। वो तो ये भी कहते थे कि 6 साल में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आधी भी नहीं रही। वो तो ये कहते हैं कि 5 ट्रिलियन जो है मिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी स्थापित कर देंगे, अब आज 0 पे आ गई है 23 पर, आपने देखा होगा सारे जो इकोनॉमी के आंकड़े हैं। उनका झूठ बोलने का, भारत में अच्छे बुरे जैसे भी प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन इससे झूठा और इससे मतलब गलत बयानी करने वाला प्रधानमंत्री नहीं आया। कैसे विश्वास कर लें कि ये क्रांति लाएगा? जहां पर ये एपीएमसी हटी है बिहार में, वहां पर धान का रेट 800 रुपये है, जबकि यहाँ MSP धान की 1600 से 1800 तक है। नहीं सर, अभी अब मामला कोर्ट में चला गया है, अभी समिति बनाई गई है, अब इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? किसान जो नेता हैं लगातार फिर भी विरोध प्रदर्शन के, क्या आपको कोर्ट के फैसले पर आपको कोई आपत्ति है? देखिए कोर्ट ने जो फैसला किया है, पहली बात तो ये है कि जो किसान कोर्ट में नहीं गए, जो बिना मांगे हमको कृषि के कानून दे दिए, हमको पसंद नहीं आए, कोर्ट में बिना मांगे हमको कमेटी थोप दी, हमको पसंद नहीं है, हम यहाँ पूरे कानूनों को रिपील करवाने के लिए बैठे हैं, हम यहाँ पर उनको होल्ड करवाने के लिए नहीं आए हैं। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस वो हमारे मांगने से नहीं हुआ, हम नहीं गए कोर्ट में, उन्होंने दिया है, जिनके लिए दिया है वो मानेंगे, हम उस पर बाध्य नहीं है। अच्छा, तो आपका और सरकार के बीच का मामला है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम और सरकार आमने सामने 15 तारीख दे रखी है उन्होंने बातचीत करने के लिए, 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। सर उसका तो कोई औचित्य नहीं रह जाता क्योंकि अब मामला कोर्ट के पाले में चला गया, 15 तारीख का तो जो बैठक होगी उसमें जो कोर्ट में गए हैं उनके लिए कोर्ट का मामला होगा, हम ना कोर्ट में गए ना हम कोर्ट से बंधे हुए हैं, हमारी बातचीत हमारी लड़ाई सरकार से है, हम और सरकार आमने सामने है, कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, जब हम कोर्ट में जाए जब कोर्ट हमारे लिए फैसला करवा दे। 26 तारीख का क्या प्लान है? 26 तारीख को हमने अभी ट्रेलर दिखाया था कि 7 मार्च को हमने KMP पे ट्रैक्टर चढ़ाकर परेड की थी ट्रैक्टर्स की, उसका एक ट्रेलर था छोटा सा, लाखों किसान ट्रैक्टर्स के साथ, जिनमें महिलाएं भी होंगी, बुजुर्ग भी होंगे, बड़े भी होंगे, लाखों किसान ट्रैक्टर के साथ सीने पे झंडा लगाकर हाथ में तिरंगा लेकर अब की बार दिल्ली की परेड में शामिल होगा और ये एक ऐतिहासिक परेड होगी। अभी तक तो इन्होंने अपने तरीके से अपने नियमों पर इस पर्व को मनाया है जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र का मतलब लोगों का पर्व, गण का पर्व, हम इसको आपके अपने तरीके से मनाएंगे जो ऐतिहासिक होगा और सरकार देखती रह जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं सरकार, किसान नेता कह रहे हैं कि हमको भाग लेने के लिए जाना चाहिए क्योंकि इस गणतंत्र दिवस के परेड में हम भी
शामिल होना चाहते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार जाने नहीं देगी, सरकार जाने देगी और सरकार की मजबूरी होगी कि इस बार जो है ये जो किसान के खिलाफ जो बिल लेके आए, इसमें किसी और का मसला नहीं है, अन्नदाता का मसला है और अन्नदाता अपने अन्न को और अपने देश की आन बान शान को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और सरकार से हम सीधा टकराव भी करने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, मेवात से कितनी आवाम वहाँ जाने वाली है? मेवात से लाखों की तादाद में, और मैं तो कहता हूँ कि मेवात बच्चा बच्चा मेवात का जो है जाएगी और दिल्ली पहुँचेगी। अच्छा सर, आपसे भी दो सवाल करना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अब ये आर पार की लड़ाई है और ये अब जन आंदोलन बन चुका है, और जब जन आंदोलन बन जाता है, जैसा कि हमारे मेवात में कहा जाता है कि जो जनता की आवाज़ है वो ऊपर वाले की आवाज़ होती है, तो उसको अब कोई रोक नहीं सकता उस आवाज़ को, क्योंकि लाखों किसान चारों तरफ से दिल्ली की सड़कों को रोक कर पड़े हुए हैं और इस अहद के साथ बच्चों को लेकर, अपनी औरतों को लेकर और अपना 6 महीने का सामान लेकर इस अहद के साथ आए। ये देखिए, अभी डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, सरकार अपने मोर्चे पर अड़ी है, किसान अपने मोर्चे पर खड़े हुए हैं, ऐसे में कैसे सोल्यूशन हो पाएगा इतना जल्दी? नहीं देखिए, इतनी जल्दी कोई सोल्यूशन नहीं होता और दोनों तरफ से अड़ने वाली बात भी होती है। हमारे मेवात में तो एक गलत सी कहावत है ना, काजी सुगंडवेर, तो गंडवेर काजी सु हमारा हो चुका, और हम जब तक काजी भले ही उठ जाए पहले हम नहीं उठने वाले। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों का एक नारा है कि कानून वापसी तो घर वापसी, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, कानून वापसी तो घर वापसी, वरना तो घर सड़क पर ही है और वो वहीं रहेगा। जी देखिए, ये लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे थे किसान आंदोलन और जो बिल लाए गए थे उनके खिलाफ लगातार, जिस तरीके से आज इन तीनों बिलों को यहाँ पे जलाया गया। ये गांधीग्राम घासेड़ा एक वो गांव है जो आदर्श गांव है, जहाँ खुद शांति के दूत जो गांधी जी यहाँ पर आए थे जंग आज़ादी के वक्त में, यहाँ इन लोगों ने ये फैसला किया है कि मेवात के जन जन बच्चा यहाँ से जाएगा आंदोलन में शामिल होने के लिए, और लगातार जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। लगातार जिस तरीके से सरकार ने अभी किसान नेताओं को भी कहा कि आप कोर्ट का सहारा लीजिए, आप कोर्ट जाइए, लेकिन किसान नेताओं का कहना है हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हमारा मामला सरकार से, क्योंकि सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, इसको वापसी लेना है, उसके बाद ही हम अपनी जो धरना प्रदर्शन है जो आंदोलन उसको वापसी लेंगे, लेकिन अभी डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद में क्या होगा? ये किसान नेता बोल रहे हैं कि 26 तारीख को ये लोग परेड में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन सरकार अभी भी इनको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये वक्त बताएगा, वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मैं आपको लगातार डीटी न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।